मायसेल्फ भाविन जैसा, मैं शॉर्ट में मेरे बारे में दो तीन वाक्य खाली बोल देता हूँ ताकि आप मुझे कहाँ से सुन सकते हैं वो आपको पता चले। भारत के 15 राज्यों में 57 सिटीज़ में, एब्रॉड हांगकॉन्ग, बैंकॉक और लास्ट मंथ मैंने दुबई में रूबरू जाकर लाइव सेशंस मोर देन 2 लाख पीपल्स को आज तक दिए हैं। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट माई सेल्फ शॉर्ट। गूगल रिव्यूज़ मोर देन 8,000, 4.9 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार एंड 77,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड वी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर्स गेम, राइट। मैं आज जहाँ जिस लिए खड़ा हुआ हूँ उस बात को करना चाहता हूँ। जब मुझे रचित ने इन्वाइट किया, रचित वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट एंड वेरी गुड फ्रेंड, तब मेरे माइंड में 3 कोट आए। व्हाट वर द 3 कोट्स? आप मुझे मेरे आपके 5 दोस्तों के नाम बता दो। लेट मी नो योर 5 फ्रेंड्स नेम, आई लेट यू नो हु यू आर, आप कैसे हो। अनदर कोट, बी विद द पीपल हु लिफ्ट यू हायर, ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको ऊपर ले जाए, ऊपर यानी ऊपर नहीं, लिफ्ट यू हायर। एंड द थर्ड कोट इज, योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल। आपका एनवायरमेंट कैसा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके विल पावर से। बिकॉज कितने लोग ऐसा मानते हैं कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्लीज़ रेज योर हैंड। सब मानते हैं, राइट? जो नहीं हाथ करते वो भी मानते हैं, शायद उनके हाथ में दर्द होगा। कितने लोग रोज करते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड नाउ। लेस देन 50% हु हैज़ रेज्ड देयर हैंड। व्हाई? नॉलेज तो गूगल और यूट्यूब से भी मिल जाएगा, राइट? लेकिन लाइफ में जब एनवायरमेंट कैसा है वो तय करता है कि हम कितने ऊपर जाएंगे। सो मैंने डेला में एक चीज़ देखी, बिकॉज मैं जब से आया तब से आई वॉज़ वेरी लकी और फॉर्चुनेट कि मैं जिमी के साथ बैठा था और हम दोनों बातचीत कर रहे थे। और जब मैं यहाँ आके बैठा और मैंने पहला वीडियो देखा, फिर मैं उनके साथ बैठा, जब वो वीडियो चल रहा था ना, वन लाइन ही स्पोक कि मैं आप लोगों की बैलेंस शीट नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि आपने लाइफ में कितने लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया है पॉजिटिवली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरी लाइफ का भी एक ही मिशन है, वन लाइफ वन मिशन कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं यही काम करता हूँ। कुछ जगह जाते हैं ना तो पैसे की बू आती है या पैसे के लिए ही लोग काम करते हैं। What I have seen here is not only money, they lift you higher in all areas of your life. Because आज तक किसी ने डेड बेड पर यह नहीं कहा है, काश मैंने ऑफिस में ज़्यादा समय बिताया होता तो अच्छा होता। एंड दैट इज़ वाई दिस क्लब इज़ हियर। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट स्पेशली रचित, बिकॉज एट द एज ऑफ 25 द वे ही इज़ ग्रोइंग, बहुत आसान होता है कि पापा की गद्दी में बैठ जाना। रचित ग्रुप इज डूइंग मोर देन 200 करोड़ टर्नओवर पर ईयर, बट ही हैज गॉन ऑन द वे विच इज रूट लेस ट्रेवल्ड। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड जिमी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच।